जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों आज वीडियो है उसमें हम सिंगरौली के बहुत प्रसिद्ध मंदिर दुर्गटा मंदिर को कैप्चर करेंगे। आज हम ऐसे देखा जाए तो दुर्गटा मंदिर शायद दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। तो हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर खोजते हैं कहाँ पे है मंदिर, और उस मंदिर के बारे में जो भी रिव्यू रहेगा, जो भी आपको बारे में विशेषता रहेगी, सब आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं मंदिर। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दुर्गटा मंदिर का रास्ता यहाँ से कहाँ पे है। आप यहाँ से सीधे जाएंगे, इस रोड को पकड़ के आप चलते जाएंगे। अच्छा। और आगे जाके बाउंड्री से किनारे वो डामर वाली रोड मिलेगी आपको। अच्छा। उस रोड पे आप जाएंगे सीधे दुर्गटा मंदिर। जी मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, तो उसमें से दूध निकलने लगा। अच्छा। दूध निकलता है तो बहुत ज़्यादा दूध निकलने लगा, तो वो अचंभित हो गया कि क्या हुआ। फिर वो उसको सपन आया कि मतलब देवी यहाँ पे देवी कहते हैं, उसको सपन दी आकर के मन में बैठ गई ऐसे कि तुम दूध चढ़ाओ, वो दूध निकल रहा है तो मन्नत दूध है। वो बोला था माता आपको नारियल चढ़ाऊँगा, आपको ये चढ़ाऊँगा, मन्नतें पूरी होने लगी। पूरी होते होते फिर ऐसे धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ता गया। जो मन्नत करता था नारियल प्रसाद, मतलब मन्नतें पूरी होती यहाँ पे, पूरी होती तो लगता है आज मैं अगर मन्नत मानूंगा कि मेरा YouTube चैनल बढ़ जाए तो आज यही मन्नत पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। होती है वहाँ केला झिरिया, केला का पेड़ है यहाँ, जो नारियल वो जल चढ़ाते हैं, कभी कुंडी भरता नहीं है पानी। मेला में जैसे वो दशहरा विजयदशमी रामनवमी को बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, वैसे बसंत पंचमी 1 जनवरी महाशिवरात्रि मकर संक्रांति ऐसे भी भीड़ लगता है। सावन सोमवार सोमवार पे ज़्यादा भीड़ लगता है, ऐसे नॉर्मल कम ही भीड़ रहता है। कमी भी केला का पेड़ है, वहाँ झरना भी है बहुत सारा है, और मतलब मजा आएगा वहाँ दर्शन। बिराजमान हो चुके हैं, कुछ बहुत पहाड़ से और वो जंगल से कुछ लोग आते जाते थे, बस किसी को सुई सब पर किसी को जानकारी हुआ था। यहाँ दूध चढ़ाने कारण यहाँ दूध चढ़ाते थे किसी देवी देवता है दूध, इसलिए स्थान दुर्घटा नाम से प्रसिद्ध होते थे। यहाँ बहुत सीता बाग रहते थे, कोई भक्तगण लोग आते हैं नारियल वगैरह खोकर में चले जाते हैं। एक और जानकारी जो भी मन्नतें होती हैं वो याचक आते हैं, भक्त लोग अपना काम माता जी को अपनी बात रखते हैं, कामना पूर्ति होती है और माता जी के आशीर्वाद से उनका काम पूरा हो जाता है, चुनिया के नाम से जाना जाता है। चुनाव दुर्गाओं का पूजा होता है जैसे मैं हर
मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।